दोस्तों, दुनिया का तीसरा सबसे अमीर आदमी देखते ही देखते 22वें नंबर पर फिसल गया। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं अडानी ग्रुप की। 24 जनवरी तक अडानी दुनिया भर में तीसरे सबसे अमीर आदमी हुआ करते थे, लेकिन अब उनकी दौलत में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है और पिछले 10 दिन में अडानी का साम्राज्य पूरी तरह से हिल गया है। उनकी कंपनी के शेयर जो 10 दिन पहले आसमान छू रहे थे, उनमें 46.9% की गिरावट आ चुकी है और अब तक अडानी ग्रुप को $61.8 बिलियन का नुकसान हो चुका है। अगर इसे रुपए में कन्वर्ट करें तो इसकी कीमत होगी 9 लाख करोड़ रुपए। और ये सब हुआ एक रिपोर्ट की वजह से। अब इस रिपोर्ट में ऐसा क्या था, चलिए जानते हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर ये आरोप लगाए हैं कि उन्होंने शेयर प्राइस की मैनिपुलेटिंग की है और अकाउंटिंग फ्रॉड किया है। रिपोर्ट में अडानी ग्रुप से 88 क्वेश्चंस पूछे गए और उनसे कहा गया कि अगर तुम सही हो तो इनके आंसर दो। लिहाजा इस रिपोर्ट का असर ये हुआ कि अडानी जैसे बड़े बिजनेस टाइकून पर इस खुलासे के बाद से ही स्टॉक मार्केट में भूकंप आया हुआ है। अडानी ग्रुप 46% तक ढह चुका है और ये कोई मामूली बात नहीं है। इसलिए अब RBI ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी और अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट करने वाले सभी बैंकों से कर्ज की जानकारी मांगी है। दोस्तों, अडानी की संपत्ति में जो इतना भयंकर गिरावट हो रही है, तो पैसे सिर्फ गौतम अडानी और उनकी फैमिली के नहीं डूबेंगे, बल्कि देश के लाखों इन्वेस्टर्स का पैसा, बैंकों का पैसा, LIC का पैसा और उन सब का पैसा डूबेगा जिन्होंने अडानी की ग्रोथ पर भरोसा करके हजारों करोड़ उनकी कंपनी में लगाए। अब जरा सोचिए कि इस सब की जांच होनी चाहिए या नहीं, लेकिन पार्लियामेंट में जांच की मांग होने पर भी सन्नाटा है। दूसरी तरफ इन सब विवादों के बीच मुकेश अंबानी को हो गया है फायदा। वो एक बार फिर अडानी से आगे चले गए हैं। अंबानी मौजूदा समय में दुनिया के 10वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं, जबकि अडानी 22वें स्थान पर खिसक चुके हैं।